हमारे यहाँ रुक जाएंगे तो उनके लिए मैंने गेस्ट रूम प्रोवाइड कर दिया। अब सोचते हैं कि नहीं, बाकी दो रूम जो है हम फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाए, तो एक रूम तो इसके ऊपर ठीक आ जाएगा और इसके ऊपर में इतना बड़ा एरिया में एक और रूम हम प्रोवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। दो रूम ऊपर में और एक रूम नीचे हो गया तो तीन बेडरूम मिल जाएगा, तो सफिशियंट स्पेस हमको मिल जा रहा है। तो ये अब मेरा अबाउट टू ग्राउंड फ्लोर का प्लान कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ खिड़की आदि का पोजीशन देना है, तो खिड़की का पोजीशन क्या होगा? जब हम खिड़की देंगे तो हर लैंडिंग पर हम खिड़की दे दें कि मेरा स्टेयरकेस फुल लाइटेड रहे, है? तो अपर यहाँ तो हम ये दीजिए दरवाजा ग्राउंड फ्लोर में, एक और एक इंट्रेंस मेरा हो गया बरेंडा से लिविंग रूम में, और एक और इंट्रेंस हो गया क्या कि स्टेयरकेस से डायरेक्ट हम इधर लिविंग रूम में आ सकते हैं। दो रास्ता हो गया मेरे पास। तो अब इतना के बाद अब हम चाहेंगे कि ये जो एरिया है स्टेयरकेस को तो और ऊपर लेके जाएंगे, और ये बेडरूम, ये टॉयलेट और गेस्ट रूम और स्टोर को एक रूम में हम कन्वर्ट कर दें, क्योंकि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है तो यहाँ बीम रहेगा, ये लोड मेरा ले लेगा। और किचन, डाइनिंग स्पेस, लिविंग रूम, गैरेज और बरंडा, या बरंडा के एरिया को छोड़ भी सकते हैं। अब हम इस पे जो स्पेसिफिकेशन रहेगा उसमें हम इसका डिटेलिंग करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि क्या क्या है। क्वेश्चन में भी आपको आएगा इस तरह से स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा। तो ये जो है अब हम लोग इतना को ये करके अब हम लोग मानते हैं कि नहीं, अब हम ये डिफरेंट स्टेज पर लेके चलते हैं। तो जब डिफरेंट स्टेज पर लेकर के चलेंगे तो स्पेसिफिकेशन के सहारे, तो अब इतना हम मान के चलते हैं कि ये मेरा ऊपर में कवर हो जाएगा इतना, और ये जो है ये मेरा खाली स्पेस मिलेगा, इधर ये नीचे का पोर्शन खाली स्पेस मिल जाएगा। तो डबल स्टोरी का कंडीशन जो है उसको भी फुलफिल कर लेंगे, थ्री बेडरूम चाहिए उस कंडीशन को भी फुलफिल कर लेंगे, प्लस एक्स्ट्रा जो है मेरा कि किसी भी बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किचन होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, और एक्स्ट्रा फिर और जोड़ना चाहते हो तो जैसे यहाँ गेस्ट रूम हम प्रोवाइड कर दिए, गैरेज प्रोवाइड किए, गैरेज दे भी सकते थे नहीं भी दे सकते थे, लेकिन हमने प्रोवाइड कर दिया गैरेज का पोजीशन, तो गैरेज रहेगा। तो क्या गैरेज में हम दरवाजा इसी तरह का देंगे? नहीं, गैरेज में हम फुल विड्थ का गेट देंगे, और वो जो रहेगा रोलिंग शटर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो रोलिंग शटर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ मेरा ये पूरा रोल होकर के ऊपर उठ जाएगा और गाड़ी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना ये हुआ। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर का प्लान तो कर लिए, अब फर्स्ट फ्लोर का प्लान करते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर का प्लान करेंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा छोटा साइज में, अभी तो इतना बड़ा कर दिए, अभी थोड़ा छोटा साइज में लेकर के हम ग्राउंड फ्लोर का प्लान कर देते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का,
अब ये साइज तो, ये तो स्क्वायर शेप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर शेप में नहीं आ रहा है। तुम मेजरमेंट से बनाओगे तो स्क्वायर शेप में करोगे। इसको कर ही देते हैं स्क्वायर शेप में। अब स्टेयर केस में जब फर्स्ट फ्लोर का हम स्टेयर केस ड्राइंग करेंगे, वहां पर कुछ अंतर हो जाएगा इसमें और इसमें। वो अंतर क्या होगा? स्टेयर केस में क्या बताए, हर फ्लोर पर जब हम प्लान करते हैं तो जस्ट अबव द सी लेवल हम पूरे बिल्डिंग को हॉरिजॉन्टली काट देते हैं और स्टेयर केस को फर्स्ट फ्लाइट के बाद काटते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर जब फर्स्ट फ्लाइट जब जाएगा तो उसके बाद हम काटेंगे। ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट तो यहाँ तक आएगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड फ्लाइट तो कट के हट जाएगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का जो स्टेयर केस है इसका ये स्टेप्स तो हमको दिखेगा। इसलिए जब भी ग्राउंड फ्लोर के बाद इंटरमीडिएट फ्लोर का कोई भी तुम करोगे या अपर फ्लोर का तुम करोगे प्लानिंग, तो उसमें तुमको स्टेप्स पूरा दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके ग्राउंड फ्लोर के हिस्सा डॉटेड होगा, ये चेंज कर जाएगा। तो ये चेंज करेगा तो नौ स्टेप हमको दिखेगा। ये सभी स्टेप जो है हमको विजिबल होगा और यहाँ से यहाँ ये लाइन मिलेगा, क्योंकि अपर फ्लोर में जो है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमको पैसेज चाहिए। तो पैसेज के लिए ये कास्टिंग तो रहेगा नीचे में, तो चूंकि यहाँ फ्लोर है ये, लेकिन यहाँ ये फ्लोर सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पर ये वेल रहेगा, तो ये वेल के कारण ये लाइन हमें मिलेगा। और ये मेरा हो जाएगा ओपन टू
ओपन टू स्काई, इतना पार्ट मेरा ओपन टू स्काई हो जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा। अब विंडो आदि को नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।